नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना सब? चलो, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि हम पिछले दो वीडियोस में राग जौनपुरी सीख रहे हैं और उसका अभ्यास कर रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका एक छोटा ख्याल सिखाया था। आज मैं एक और छोटा ख्याल आपको सिखाऊंगी, लेकिन उसके पहले हम राग जौनपुरी के आरोह अवरोह और पकड़ का अभ्यास करें और सरगम और जो पहले छोटा ख्याल गाया है उसको भी एक बार रिवाइज कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तानपुरे को ए स्केल में आप ट्यून कर लीजिए। सरगम रे म प नि ध द प प म प ध प ग ग रे सा रे म प नि ध द प प म प ध प ग ग रे सा ध प प नि सा रे रे म प नि ध ध प प। ये हमने सरगम गाई। अब जो छोटा ख्याल पहले सीख चुके हैं एक बार उसका अभ्यास कर लीजिए। सम से यह छोटा ख्याल स्टार्ट होगा। 13 14 15 16 छोम छना ना ना छोम छना ना ना बिछुआ छोम छना ना ना छोम छना ना ना बिछुआ बा जे मोरे हे माया ते मैं जानू पी को आगम भाई छोम छना ना ना छोम छना ना ना बिछुआ चार दिना ते आगम भैरवा चार दिना ते आगम भैरवा मोरे तो ये छोटा ख्याल हो गया। और अब हम आज एक नया छोटा ख्याल सीखने जा रहे हैं। इसके बोल हैं, पायल की झनकार बैरनिया, पायल की झनकार बैरनिया, झन झन बाजे कैसे मोरे, पिया से मिलन को जाऊं अब मैं। पायल की झनकार। इसमें आप लोग एक चीज
का ध्यान दें कि जो पायल की झनकार जो पहली लाइन में है उसकी नोटेशन अलग है, और जो स्थाई ख़त्म होने के बाद में जब बोली जाएगी पायल की झनकार, वो उसकी नोटेशन अलग है। आप ध्यान से सुनिएगा मैं कैसे गाती हूँ। अंतरे के बोल हैं, विरहा से तन ताप तपत है, अंग अंग सब लाग रहीला, सदा रंगीले, सदा रंग और अदा रंग ख्याल के बहुत अच्छे रचनाकार थे, इन्होंने बहुत से ख्याल रचे हैं, उन्हीं का नाम है सदा रंग। सदा रंगीले उठत जिया हुक, पायल की झनकार। खाली से यानी नवी मात्रा से ये छोटा ख्याल शुरू हो रहा है, त्रिताल में निबद्ध है। देखिए ये अंतर है स्थाई के शुरुआत में और स्थाई के अंत में पायल को बोलने में। आप लोग ध्यान से गाइएगा, हम एक बार फिर से स्थाई गाते हैं। अंतरा भी स्थाई खाली से शुरू है।
भर आए।